ठीक है। तो कल हमने पढ़ा, स्टार्ट किया है 11th चैप्टर रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, आप लोगों से उम्मीद है आपने लिखे होंगे, कॉपी पर लिख लिए। जिन बच्चों ने लिखे हैं वो अच्छी बात है, आगे सोच रहे हैं कुछ करने। जो नहीं लिख रहे हैं वो ध्यान रखें, लिखें, ठीक है। जो बच्चे स्कूल नहीं आते वो क्लासरूम वीडियो देख लें अपने घर पे जरूर। जुकाम हुआ तो देखा तो जा सकता है, जुकाम में आप पूरा दिन लेटे रहे बेड में सोए रहे तो देख तो सकते हैं ना कि क्या पढ़ाया गया हमें, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे वो है हमारा टॉपिक दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या क्या हैं? अब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेत्र है वो गोलाकार है, ठीक है, गोलाकार का है। तो हमने उसको बोला था नेत्र गोलक, ठीक है। उसमें एक लेंस होता है और लेंस जो है वो फोकस करता है प्रकाश को कहां पर? रेटिना के ऊपर। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वो रिमाइंड कराना चाहता हूं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उत्तल दर्पण के, क्या नाम, उत्तल लेंस के बारे में। जो बीच से मोटा है, बीच से मोटा है, किनारों से पतला होता है, इसमें बनने वाली इमेजेस प्रतिबिंब किस प्रकार बने थे? देखो इसमें प्रतिबिंब ऐसे बने थे, ये है सेंटर पॉइंट ओ, यहां पर है मान लो इसकी फोकस दूरी, इसकी तो फिक्स होती है ना, इसकी चेंज नहीं होगी। आगे है सी, एफ टू सी टू, सी टू बोल रहा हूं अभी मैं आपकी, इसके लिए आसानी हो आपको समझने के लिए, एफ वन सी वन, ठीक है। अब जब हमने प्रतिबिंब अनंत पर रखा था तो सॉरी बिंब अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब कहां बना था? यहां बना था फोकस बिंदु पे, ठीक है। अगर उससे आगे आ जाते हैं, मान लो यहां कहीं सी से पीछे कहीं रखा है तो वो एफ से पीछे चल पड़ता है ना, तो यहां कहीं बनेगा उल्टा, बनेगा बड़ा बनेगा। फिर आगे सी पर, तो जितना सी पर साइज है उतना ही सी पर ही बनेगा, वो उसी साइज का उल्टा बनेगा, उतने साइज का बन जाएगा। अब इससे आगे चलेंगे तो सी से पिछली तरफ बनता जाएगा, इससे आगे कहीं सेंटर में यहां रख दें तो सी से पीछे कहीं इधर बनेगा और बड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब एफ पर रखेंगे तब तो अनंत पर बनना है कहीं जाके, ठीक है। अब हमारा जो नेत्र है उसके अंदर भी इसी प्रकार का लेंस लगा हुआ है, ठीक है। उसने हर बार इमेज कहां बनानी है? दृष्टि पटल पर। ये है मान लो जब अनंत पर है तो मान लो ये आंख का लेंस है, अब ये है दृष्टि पटल, सॉरी पीछे से चलते हैं। अच्छा, अब जो इसमें फर्क क्या है, देखो ये फोकस बिंदु है, फर्क क्या है इसमें कि हम एफ पर नहीं रख सकते, हमारी आंख का जो सामने फोकस बिंदु है उतने नजदीक आएंगे तो अनंत पर बनेगी इमेज, इसलिए वो हमें साफ दिखेगी नहीं, दृष्टि पटल पर नहीं बनने वाली। वो जब दृष्टि पटल पर नहीं बनेगी तो वो साफ नहीं दिखेगी, थोड़ा दूर जाए 25 सेंटीमीटर दूर गए तो अब साफ दिख रही है। अब 25 सेंटीमीटर की दूरी तक आप रख सकते हैं, वो कहीं एफ बिंदु से पीछे आता है पॉइंट, यहां कहीं पीछे आएगा वो पॉइंट, तो यहां कहीं बनेगा ये इधर, इससे आगे मान इधर ही मान, ठीक है। अब देखो हमें ये इमेज कहां चाहिए, मान लो ये इसकी वक्रता है, इससे कम नहीं हो सकती, तो ये लास्ट पॉइंट है, ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर जो प्रतिबिंब रखा होगा उसका फोकस यहां बन रहा है, ये है दृष्टि पटल, समझ गए। ये फोकस दूरी है इसकी नॉर्मली, यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है जब 25 सेंटीमीटर पर हमने बिंब को रखा है। थोड़ा दूर करेंगे तो इमेज कहां बननी जाए, बन जाएगी, जब इधर को चलेंगे ऑब्जेक्ट को पीछे करते जाएंगे तो इमेज कहां बनती जाएगी, इस तरफ को, इधर को दूरी बढ़ाते जाएंगे इधर को दूरी कम होती जाती है ना, इधर अनंत पर पहुंच गए तो फोकस बिंदु पर पहुंच गई इमेज आगे, ऐसे होगा ना। जब नजदीक था तो प्रतिबिंब दूर बना था, जब बिंब दूर होता जा रहा है तो प्रतिबिंब नजदीक आता जा रहा है। अब लेंस का काम क्या है हमारी आंखों में, हमारी आंख के लेंस का काम है कि हर बार ये जो
इमेज है ये दृष्टि पटल पर बने। अब दृष्टि पटल तो आगे पीछे होने वाला नहीं है, क्या आगे पीछे होगा? फोकस बिंदु, फोकस बिंदु आगे पीछे हो गए। अब अगर तो 25 सेंटीमीटर पर रखा मैंने बिंब को, तो प्रतिबिंब बन रहा है यहां, समझ गए? तो मैं थोड़ा पीछे चलता हूं तो प्रतिबिंब थोड़ा इधर बनेगा। अब ये प्रतिबिंब मुझे यहां चाहिए था, प्रतिबिंब मुझे यहां चाहिए था, तो फोकस दूरी से इतनी दूरी पर बन रहा है ये, फोकस दूरी से इतनी दूरी पर बनेगा। तो मैं क्या चीज हिलाऊंगा? अगर फोकस दूरी को मैं इधर करूंगा, यानी ये जो फोकस दूरी है ये बढ़ेगी कैसे, फोकस बिंदु कैसे बढ़ेगा? जब इसकी वक्रता कम होगी, इसका जो घेरा है वो कम होगा, तो फोकस दूरी दूर होती जाएगी, ऐसे होगा ना? बताऊं कैसे? नहीं समझ रहे? ये छोटा गोला है तो इसका केंद्र है यहां। अब गोला में थोड़ा बड़ा कर दूं, वक्रता इसकी बढ़ा दूं तो हो जाएगा इतना बड़ा ये, तो ये केंद्र यहां से खिसक के आगे नहीं चला जाएगा? तो उसी तरह ये जो घेरा है ये बड़ा करना है मुझे, ताकि ये केंद्र, केंद्र तो नहीं फोकस दूरी, ये केंद्र यहां पर, ये आगे बढ़े, केंद्र आगे बढ़ेगा तो फोकस दूरी भी आगे बढ़ेगी। आ जाओ, कौन है? इनको बोलो चुप करके आ जाएगा। तो क्या करना हमने, फोकस दूरी को ये लेंस आगे पीछे कर सकता है, यहां पर है जब ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट है, तो इसकी लास्ट फोकस दूरी है, इससे कम नहीं हो सकती 25 सेंटीमीटर जब है, इसलिए हमें जब इसके आगे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो फोकस दूरी इससे कम नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें वो धुंधला दिखाई देगा। लिमिट भी है ना उसकी, उस लिमिट के आगे फोकस दूरी चेंज नहीं कर सकता वो, इसलिए हमारी आंख का जो नियरेस्ट पॉइंट है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। समझ गए? समझ गए ना? अब जब मैं ऑब्जेक्ट को दूर करता जाऊंगा तो इमेज आगे होती जाएगी, सामने बनती जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मेरे लेंस को क्या करना है, वक्रता को कम करना है, सीधे होते जाना है, जैसे जैसे ये सीधा होता जाएगा फोकस पॉइंट आगे आगे बढ़ता जाएगा और इमेज ये पीछे पीछे होती जाएगी, है ना? इमेज अपने आप ही पीछे होती जाएगी। देखो इतनी दूर है, ये वाला प्रतिबिंब कब बना था, जब मैंने बिंब यहां पर रखा था, तो ये वाला प्रतिबिंब बना था, इसको मैंने फोकस बिंदु से इतनी दूर है, तो फोकस बिंदु को मैं यहां ले आऊंगा अगर, तब जाके ये प्रतिबिंब यहां दृष्टि पटल पर आएगा कि नहीं? तो ये काम है इस लेंस का, अपनी फोकस दूरी को नियंत्रित करना ये करता है, और इसके लिए इसकी पक्षमाभि पेशियां हैं। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, या तो जन्मजात ही ऐसी दिक्कत है कि इसकी वक्रता ही ज्यादा है, वो ज्यादा सीधा नहीं हो पाता, तो फिर दूर की चीजें दिखना कम हो जाती है। दूर की चीज देखनी है तो वक्रता को कम करना है, ताकि फोकस दूरी दूर हो जाए, क्योंकि अनंत वाली चीज कब दिखेगी हमें, अनंत वाली चीज तब दिखेगी जब उसका प्रतिबिंब फोकस दूरी पर बनेगा, ठीक है? ये फोकस बिंदु यहां पहुंचाना है मुझे, तो इसको मैक्सिमम सीधा करना है और पतला करना है ऐसे, ताकि इसका फोकस बिंदु यहां बने। दूर की चीज देखनी है, अगर दूर की चीज दिखेगी ना फोकस बिंदु पे, ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है, इसका जो ये वक्रता है ये ज्यादा हो जाती है, जिससे ये ज्यादा सीधा नहीं हो पाता, तो फोकस दूरी यहां नहीं पहुंच पाती, तो अनंत वाली चीज नहीं दिखेगी। ये फोकस बिंदु मैक्सिमम यहां तक पहुंच पाता है उस केस में, या यहां तक कहीं, यहां दृष्टि पटल पर फोकस बिंदु पहुंच ही नहीं पाता, उसकी वक्रता इतनी सीधी हो ही नहीं पाती कि उसका फोकस बिंदु यहां पहुंच जाए, इसलिए उसको दूर की चीज नहीं दिखाई देगी, अनंत वाली चीज नहीं दिखाई देगी। तो उसका जो अनंत वाला बिंदु है वो अनंत पर ना होकर कहीं कुछ मीटर की दूरी पर हो जाता है, जैसे यहां से नीचे तक दिखाई देगा, उससे आगे कुछ भी दिखाई देगा साफ, ठीक है? तो ये पहला दोष होता है जिसको हमने बोला है निकट दृष्टि दोष। उसमें क्या होता है ये बताता हूं मैं। नॉर्मल केस में अनंत पर रखी चीज जब दूर की चीज देखनी है तो ये वक्रता इतनी हो गई है कम, वक्रता कम हो गई है मतलब लेंस सीधा हो गया है, पतला हो गया है, तो इसकी फोकस बिंदु यहां पहुंच गया दृष्टि पटल के ऊपर। अब अनंत वाली चीज देखेंगे तो उसका क्या बनता है, फोकस बिंदु पर ही इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी अनंत बिंदु पर। इस केस में क्या है, ये जो इसका घेरा है ये ज्यादा है, वक्रता ज्यादा है, तो इतना सीधा नहीं हो पा रहा है, ये वक्रता इसकी ज्यादा रह रही है, और जिसकी वजह से फोकस बिंदु मैक्सिमम यहां पहुंच पा रहा है, फोकस बिंदु वहां पहुंच पा रहा है, इसलिए दूर की चीज उसको कहां इमेज बन रही है, यहां। समझ गए? दूर की यहां तक ही बन पा रहा है। अब
तो उसको क्या करना है, एक मैक्सिमम लेंथ है यहां से आगे, यहां वाला जो बिंब रखा है वो कहीं एफ से पीछे बनेगा, यहां यहां वाला जो बिंब है इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, उल्टा बन रहा है ऐसे। अगर अनंत पर कर देंगे तो फोकस पर बन जाएगा, ये इसका लास्ट पॉइंट है, यहां से आगे फोकस बिंदु जा ही नहीं पा रहा, तो यहां वाली चीज तो स्पष्ट दिखाई दे जाएगी, इससे आगे रखेंगे तो इमेज इधर को बननी स्टार्ट होगी, वो नहीं दिख पाएगी, समझ गए। तो अब ये केस क्या है, निकट दृष्टि दोष। जो अनंत वाला बिंदु था वो कुछ मीटर तक पहुंच गया है, यहां इसका प्रतिबिंब बनेगा यहां, इससे दूर जाएगा तो वो इधर को बनता जाएगा, जिसके कारण उसको साफ नहीं दिखाई देगा। तो इस केस में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीक की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीजों को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। जो उसका दूरस्थ बिंदु अनंत था वो अनंत से हटकर कुछ मीटर तक हो गया है, ठीक है, अब दूर की चीजें नहीं दिखाई देगी, कुछ मीटर तक ही दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस लेंस की वक्रता बढ़ गई है। यह भी हो सकता है, या जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, यह भी हो सकता है कि यह तो ठीक है, लेंस तो ठीक है, इसने फोकस बिंदु इधर ही बनाना था, लेकिन जो गोला है वो बड़ा हो गया है, जो नेत्र गोलक है उसका व्यास बड़ा हो गया, नॉर्मली कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर, लेकिन हो गया बड़ा। लेंस ने तो ठीक काम किया, यहां पर फोकस बिंदु पहुंचा दिया अपना, लेकिन दिक्कत क्या आई, कि गोलक ही दूर हो गया है, अब दृष्टि पटल दूर हो गया, समझ गए, इसलिए तब भी मैं साफ नहीं दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दृष्टि पटल से पीछे या आगे पीछे, क्या बोलेंगे इसको, सामने बन रहा है, सामने बनेगा, पीछे बोलना तो पीछे बोल देते हैं, ठीक है। यह है निकट दृष्टि दोष, दो कारण है इसके, या तो जो हमारा लेंस है उसकी वक्रता बढ़ गई है, ज्यादा सीधा नहीं हो पा रहा है, वक्रता बढ़ गई है, समझ गए, इस वजह से उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दृष्टि पटल के आगे या पीछे, जो भी बोलना है, पीछे बोलना है तो दूसरी तरफ को आगे बोलेंगे हम, ठीक है, चलो मान लो इधर इससे पीछे बन रहा है, ठीक है। अब इसको ठीक करना है तो हमें क्या करना है, ऐसा लेंस लेना है, इसका गोला ऐसे है ज्यादा, अब हमें पतले वाला लेंस लेना है, इसको पतला करना था ना ताकि फोकस बिंदु वहां पहुंच जाए, लेकिन उतना पतला हो ही नहीं पा रहा है, तो पतला लेंस कौन सा होता है, अवतल। अब अवतल लेंस लगाकर इस दोष को दूर किया जा सकता है, वो देखना पड़ेगा कि कितना फर्क है इस फोकस बिंदु में, जितना फर्क है उतना उतनी पावर का, उतनी क्षमता वाला अवतल लेंस लगाना पड़ेगा, समझ गए, उतनी क्षमता वाला अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। अब ध्यान रहे कि अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, समझ गए। अब यहां पर तुम्हें एक ही चीज याद रखनी है कि निकट दृष्टि दोष में क्या दिखाई देता है, निकट का, दूर का दिखाई नहीं देता। दूर का दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल से आगे बना या पीछे बना, क्या बोलेंगे, चल लिख देता हूं मैं, मान लो ये आगे बोल दें, पीछे फिर हो जाएगा ना, सामने बोल दो, हाँ सामने बन रहा है, दृष्टि पटल के सामने बन रहा है, दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के सामने बन रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, या तो इसकी वक्रता बढ़ गई है या गोलक का साइज बढ़ गया है, दो केस हो सकते हैं, समझ गए, निकट दृष्टि दोष खत्म। अब दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होगा, उल्टा। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो निकट रखी वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई नहीं देती, इसका क्या मतलब है कि वो जो लेंस है वो अपनी वक्रता को और ज्यादा नहीं बढ़ा पाता, यानी अपने फोकस बिंदु को जहां पर वो होना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचा पाता, समझे। इसलिए नजदीक रखी जो वस्तु है, अगर वस्तु नजदीक है तो प्रतिबिंब फोकस से दूर बनना है ना, जाके फोकस से दूर बनेगा। 25 सेंटीमीटर पर कोई चीज रखी है, उसका प्रतिबिंब बनना था यहां, यहां बनना था फोकस से यहां, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, ये फोकस बिंदु यहां नहीं होकर यहां ही रह पा रहा है, यहां नहीं हो पा रहा, तो प्रतिबिंब इधर जैसे बन रहा है, दृष्टि पटल से पीछे बन रहा है, समझ गए। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो नजदीक की चीज है वो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दृष्टि पटल से पीछे, समझ गए, दृष्टि पटल से पीछे बन रहा है, क्योंकि ये लेंस की वक्रता जो है वो और ज्यादा कम नहीं हो पा रही, ठीक है।
वक्रता कम नहीं हो पाती, इसलिए। तो ये फोकस बिंदु यहां पहुंचाना था इसने, ये फोकस बिंदु यहां पहुंचाना था, इसलिए इमेज इधर बननी थी, लेकिन अब ये यहीं पर रह जा रहा है, यहां नहीं आ पा रहा, इसलिए दृष्टि पटल से पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। या फिर गोलक का साइज छोटा हो गया है, ये भी हो सकता है, पहले केस में बड़ा हुआ था, इस केस में छोटा हो गया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको अगर आपने दूर करना है दोष को, तो इससे उल्टा लेंस लगाना पड़ेगा, तो क्या करना था, इसको और घुमा, वक्रता को और ज्यादा बढ़ाना था, लेकिन नहीं बढ़ पा रही उतनी वक्रता, तो इसलिए हमें वक्रता वाला लेंस चाहिए, तो वो कैसा होगा, ऐसा उत्तल, ठीक है, तब हमें उत्तल लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। अब आपको ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि दृष्टि दोष, जो विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोष हैं, उनके बारे में टिप्पणी लिखो और उनके संशोधन के बारे में टिप्पणी लिखो, ऐसा प्रश्न आ जाता है बड़ा, 5 नंबर का। तो आपने दो तो ये दोष हो गए, तीसरा क्या है, जरा दृष्टि दोष, इसमें दोनों प्रकार की दिक्कत आ जाती है, उम्र जैसे बढ़ जाती है तो क्या होता है, ये क्रिस्टलीय लेंस जो है अपनी वक्रता को कम भी नहीं कर पाता ज्यादा, और बढ़ा भी नहीं पाता उम्र के साथ साथ, ऐसा होता है, जिसके कारण प्रतिबिंब जो दूर वाली वस्तु है उसका प्रतिबिंब सामने बनता है, और नजदीक वाली जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है, तो दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं इसमें। निकट दृष्टि दोष में निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर था वो इससे बढ़ जाता है, 40-50 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष में दोनों तरह के दोष होते हैं, इसको अगर दूर करना है, ये उम्र के साथ होता है, ठीक है, अगर इसको दूर करना है तो द्वि, क्या नाम है उसका, बाईफोकल, हाँ द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, चश्मा है, चश्मे का जो ऊपर वाला भाग है वो है अवतल, क्योंकि सामने देखना है ऐसे तो दूर देखना है, नजदीक वाली चीज देखनी तो ऐसे देखनी है, तो नीचे वाला पार्ट जो है उत्तल लेंस का बना होगा। फिर नजदीक वाली, कहीं ने चश्मे लगाए होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं उनको आप देखेंगे तो नजदीक रखिए ऐसे देखेंगे और ऊपर ऐसे देखेंगे, फिर तुम्हें ऊपर वाले पार्ट से देखेंगे, तुम खड़े हो कहीं ऑफिस में जाएंगे वहां बुजुर्ग बुजुर्ग कर रहे होते काम ना, चश्मा लगाया होता है, फिर नजदीक ऐसे देख रहे होते कॉपी भी अच्छा, फिर तुम्हें देखना तो ऐसे मुंडी नहीं उठानी, ऐसे देखना तुम्हें, है ना, तो इसलिए देखते हैं वो ऐसे, क्योंकि यहां से उनको नजदीक वाली चीज देखनी है, यहां से ऊपर वाली चीज देखनी है, समझ गए। तो इसको अगर दूर करना है तो द्विफोकसीय लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये डिटेल में आप लिख सकते हैं, इसमें लिखना क्या है, पहले तो ये लिखना है निकट दृष्टि दोष 3 प्रकार के हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि प्रतिबिंब सामने बनता है, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सामने बनेगा, क्यों होती है ये दिक्कत, क्योंकि वक्रता बढ़ जाती है या गोलक का साइज बढ़ जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या है, दूर का दिख रहा है नजदीक का नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या है, वक्रता कम नहीं हो पाती या गोलक का साइज छोटा हो गया। तीसरी चीज उसमें क्या लिखनी है कि दूर कैसे होगा, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए, उत्तल लेंस दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, और द्विफोकसीय लेंस जरा दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। इतने 5-5 लाइनें हो जाएंगी इनकी, और वो आपका 5 नंबर का प्रश्न बन जाता है। इमेजेस आपको दी हुई है यहाँ, कैसे बन रहा है जो आपकी बुक में है, उन इमेजेस को एक बार बनाने का प्रयास करना है आप लोगों ने, ठीक है। और 5 नंबर के क्वेश्चन के साथ साथ इसमें 1-1 नंबर के प्रश्न भी आते हैं, जैसे या 2 नंबर का आ जाता है जरा दृष्टि दोष क्या है या निकट दृष्टि दोष क्या है, एक के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर 5 नंबर का है तो तीनों पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन अगर 2-3 नंबर का है तो 1-1 करके पूछा जाएगा, इसके बारे में बताओ क्या है। 1 नंबर का प्रश्न ऐसे आ जाएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऐसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, समझ गए। इस प्रश्न को 5 नंबर के प्रश्न में याद करो, बाकी अपने आप हो जाएगा, 3, 2 और 1 नंबर अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको समझो, लिखना क्या है अपनी लैंग्वेज में लिखो, बुक में एक बार पढ़ लो, उसमें पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आया है उसको वैसे लिख दो अपनी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं कि जो बुक में लैंग्वेज है वो आपने लिखनी है, जितना आप अपनी लैंग्वेज प्रयोग करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतने मार्क्स ज्यादा आते हैं, ठीक है।